और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन समारोह, भुज एयरपोर्ट से स्मृति वन तक पीएम का रोड शो और ये तस्वीरें आपको भुज गुजरात से दिखा रही हैं। स्मृति वन लगभग 470 एकड़ के वन क्षेत्र में बनाया गया है। नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर के आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि भुज के पुनर्निर्माण में, भुज के पुनर्विकास में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के हैसियत से बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी, करीब 13,000 उन लोगों के नाम जिन्होंने देख सकते हैं के दौरान किस तरह से भीड़ उमड़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए भुज में प्रधानमंत्री का आगमन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद विशेष है, क्योंकि भुज के पुनर्विकास में, पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रही है बतौर मुख्यमंत्री गुजरात और अब प्रधानमंत्री के तौर पर भी। और स्मृति वन का वो उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है उन तमाम स्मृतियों को सजोए रखने में जो भुज के लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर उसके पुनर्निर्माण में दिखाई है बल्कि जो उसकी स्मृतियां भुज के 2001 में आए भूकंप के दौरान महसूस की थी। महिलाओं का दल आप देख सकते हैं, बच्चों को आप देख सकते हैं सड़क के किनारे खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के लिए नारे लगाते हुए, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं इस वक्त, वो एक झलक पाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को। और सबसे खास बात है कि जब भुज में 2001 में भूकंप आया था तो तब से 21 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है और एक पूरी पीढ़ी जिसको कहते हैं वो युवाओं की तैयार हो चुकी है जो इस पुनर्निर्माण की साक्षी है और इसमें उसका योगदान भी रहा है। और ऐसे में ये युवा आज सड़कों पर आए हैं अपने उस जन नेता को, उस लोकप्रिय नेता को की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी इतने उदार रहे हैं कि वो उन्होंने अपने जो उनका काफिला रहा है उसकी गति उन्होंने न सिर्फ मंथर की बल्कि इस अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके और लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। Thank you.
आप पे बहुत कुछ बयां करती है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भुज से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हुए लोग और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। भुज में गुजरात में लोग किस तरह से उत्साहित हैं, किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ के, और जब रहे तो बहुत सारा उन्होंने काम भी करवाया, लोगों के बीच भी पहुँचे, लोगों से हमेशा जुड़े भी रहे, और इसलिए ये प्यार हमेशा जब भी वो गुजरात आते हैं तो देखने को मिलता ही है। और अब भुज की ये तस्वीरें पीएम मोदी के पहुंचने पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई कह सकते हैं गुजरातवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन समारोह जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भुज एयरपोर्ट से स्मृति वन तक पीएम मोदी का ये रोड शो है। अपने आप लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, एक जन नेता ने किस तरह एक पूरी परिस्थिति को बदल दिया। जहां पर भुज में जब भूकंप आया था उसके बाद चारों तरफ जो तबाही का मंजर था उसमें किस तरह से परिवर्तन आया है, और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के बदौलत भुज में कैसे परिवर्तन लाया गया है, ये न सिर्फ लोगों ने देखा है बल्कि ये लोग, आम लोग उसके भागीदार भी रहे हैं। और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री का, अपने जन नेता का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं। और देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के उस जज्बे का भी स्वागत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस दृढ़ संकल्प, उस इच्छा शक्ति का भी स्वागत कर रहे हैं जो उन्होंने भुज को पुनर्विकास में, पुनर्निर्माण में दोबारा दिखाई, सारे विघ्नों को पार पाते हुए, सारी परेशानियों को दूर करते हुए, सारी चुनौतियों से पार पाते हुए भुज का पुनर्निर्माण किया है, पुनर्विकास किया है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है नर जब नर पर्वत के जाते पांव खड़े, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निश्चित तौर पर ये पंक्तियां यहाँ सटीक साबित हो रही हैं, जब एक उजड़े हुए भुज से एक पूर्ण विकसित भुज का पुनर्निर्माण हुआ है, और इस पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है, उनकी परिकल्पना आज साकार हो रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भुज के जो वासी हैं वो अपने नेता का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाकर सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। तो ये रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के दौरे पर हैं, और भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन समारोह जिसके दौरान अब एयरपोर्ट से स्मृति वन तक पीएम का ये रोड शो निकल रहा है, और इस दौरान दोनों तरफ लोगों का एक हुजूम नजर आ रहा है। ये हुजूम जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचा है, ये वही गुजरातवासी हैं जिनके मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, और जब वो यहाँ पर रहे तो बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने करवाए। बहुत सारी तस्वीर यहाँ पर बदली है गुजरात में, जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है कि आप गुजरात जाएं आपको वहाँ की व्यवस्थाएं नजर आएंगी, वो व्यवस्थाएं बैठाई, वो व्यवस्थाएं बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब स्मृति वन स्मारक बनवाया गया है, 2001 के भूकंप में जान गंवाने वालों का नाम यहां पर होगा,
13,000 लोगों ने यहां जान गंवाई थी। भुज भूकंप का केंद्र था और उसके बाद कह सकते हैं त्रासदी यहां थी, उजड़ गया था ये, लेकिन उसी जज्बे को दर्शाता है कि किस तरह से इस त्रासदी से लोग उभरे और उस त्रासदी के बाद अब यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से खूबसूरत नजर आती हैं। वन स्मारक जो बन रहा है वहां पर उन तमाम लोगों के नाम होंगे जो इस भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि जो त्रासदी आई, जो भुज उजड़ा, उसे फिर से बचाया जा सके, लेकिन ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण, क्योंकि जब वो गुजरात में रहे वहां की कमान उनके पास थी, उस दौरान उन्होंने वहां भुज को दोबारा से बसाने में, दोबारा वही प्रोसेस करने में अपना मेहनत की, उसके लिए जी जान लगाई, पुनर्निर्माण में, पुनर्विकास में स्वयं भागीदार रहे। वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अपने